दोस्तों, आज के इस Q&A वीडियो में जो सबसे पहला सवाल है वो ये एक व्यक्ति का है। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका जवाब देना भी बनता है। तो इनका सवाल ये है कि सर, मैं नौकरी करता हूँ और जिम ज्वाइन करके एक अच्छी बॉडी बनाना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे जो दोस्त और पड़ोसी लोग हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि नौकरी करने वाला व्यक्ति बॉडी नहीं बना सकता, इसलिए मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो मेरे भाई, आपसे किसने कह दिया कि नौकरी करने वाला व्यक्ति बॉडी नहीं बना सकता? जितने भी लोग जिम जाते हैं सभी लोग कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं। आजकल के ज़माने में कोई भी फालतू नहीं है। आप मेरा उदाहरण ले सकते हैं, मैं पिछले 20 साल से नौकरी करता हूँ और नौकरी के साथ में मैं पिछले 15 साल से 2 घंटे रोज़ जिम भी करता हूँ। फिर आप लोगों का सही मार्गदर्शन करने के लिए YouTube वीडियो भी बनाता हूँ। दोस्तों, जब मैं 40 साल की एज में इतना काम करने के बाद भी अच्छी फिजिक बनाकर रख सकता हूँ, तो आप भी समय निकालकर जिम ज्वाइन करके एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। लोग तो आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे और आप उनकी फालतू बातें सुनकर कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप कल से ही जिम ज्वाइन करके अच्छी बॉडी बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो बहुत सारे लोगों का है, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सबको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि जिम सुबह के समय करना चाहिए या फिर शाम को करना चाहिए, किस टाइम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? तो मेरे भाई, जिम चाहे आप सुबह करो या शाम को करो, दोनों के ही अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। आपके पास जब भी समय हो तभी आप जिम में वर्कआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स दे देता हूँ। अगर आप सुबह के समय में जिम जाते हैं और आपका गोल है साइज गेन करने का, तो आप जिम जाने से पहले प्री वर्कआउट मील लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी रात भर की भूखी रहती है। ऐसे में अगर आप खाली पेट जिम जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मोटे व्यक्ति हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी खाकर जिम नहीं जाना है, खाली पेट आपको वर्कआउट करना है। ऐसे में आपका फैट लॉस जल्दी होगा। बस आपको जिम जाने से 15 मिनट पहले एनर्जी के लिए एक ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा सवाल है वो एक व्यक्ति का है और सवाल ये है कि सर, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कैसे करें? काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया है, क्योंकि दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि मसल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो हम कभी भी एक अच्छी मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देता हूँ, आप ध्यान से देखें। तो मेरे भाई, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए आपको रात को पूरे 8 से 9 घंटे तक सोना है और गहरी नींद आपको लेनी होगी, क्योंकि जब हम अच्छी नींद लेते हैं तब हमारी बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो आप रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 5 ग्राम दालचीनी का पाउडर मिक्स करके पी सकते हैं। तो दालचीनी वाला दूध पीने से आपको नींद अच्छी आएगी। इसके अलावा अगर आप जिम करते हैं तो आप अपने वर्कआउट रूटीन में कंपाउंड एक्सरसाइजों को शामिल करें, जैसे कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट, हैवी बेंच प्रेस। इससे भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल जल्दी बढ़ता है। दोस्तों, यहाँ पर जो चौथा सवाल है वो भी बहुत सारे लोगों का है और सवाल ये है कि हमने साइज बढ़ाने के लिए मास गेनर का यूज किया, उससे हमारा साइज तो बढ़ गया लेकिन जैसे ही हमने उसको खाना बंद किया साइज फिर से कम हो गया, ऐसा क्यों? दोस्तों, मास गेनर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैलरीज होती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी कैलरीज सरप्लस में चली जाती है और हमारा वजन बढ़ने लगता है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप मास गेनर का यूज करें तो आपको ये देखना है कि उस मास गेनर की एक सर्विंग से आपको कितनी कैलरीज मिल रही हैं, इस बात को आप नोट करके रखें। तो दोस्तों, मान लिया जाए कि आपको उस मास गेनर की एक सर्विंग से 500 कैलरीज मिलती है, तो अब जब भी आप मास गेनर को खाना बंद करें तो आपको वही 500 कैलरीज फूड से लेना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से आपका बढ़ा हुआ वजन कभी भी कम नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को टाइप कर सकते हैं। जवाब देने योग्य सवाल होंगे,
तो अगले हफ्ते जो Q&A वीडियो आएगा उसमें मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें। हेल्थ से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।